यूसीसी पर जारी घमासान की बात कर लेते हैं, जिसमें आज दिन अहम है, एक अहम बैठक हो रही है। ये यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है, ऑनलाइन ये बैठक हो रही है और इस बैठक में बोर्ड के करीब 250 मेंबर्स हैं जो शिरकत कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 250 सदस्यों की बड़ी बैठक चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बैठक में चर्चा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपने सुझाव तैयार कर लिए गए हैं जो लॉ कमीशन को सौंपे जाने हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये जो बड़ी बैठक हो रही है, इसी पर कुछ जानकारियां जल्दी से आपके सामने रख देती हूं। आज बड़ी बैठक हो रही है यूसीसी पर, और ये बैठक कौन कर रहा है, किसकी बैठक है? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है। कितने लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? 250 सदस्य हैं मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, और ये बैठक ऑनलाइन तरीके से की जा रही है। जल्दी से अगले ग्राफिक्स ले आइए। यूसीसी पर ड्राफ्ट की बारीकियों पर चर्चा इस बैठक में हो रही है, और आगे क्या होने वाला है, पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सरकार को सौंपेगा अपना ड्राफ्ट, तो लॉ कमीशन को ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। लॉ कमीशन ने, आप जानते हैं, एक महीने की विंडो खोली थी, सुझाव मांगे थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। संजय, ये बता दीजिए कि पहले जो स्टैंड था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, एक तरीके से सिरे से खारिज यूसीसी को करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब यूसीसी पर सरकार का रुख सामने आने के बाद क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में भी तब्दीली आई है? मतलब अब सिरे से खारिज करने की बजाय क्या ऐसा माना जाए कि कुछ सुझाव देने की तैयारी में है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? बहुत तब्दीली रोमाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रूप में नहीं आई है, और जब से ये बात सामने आई है कि देश में यूसीसी लागू किया जाएगा, जिसको लेकर के सरगर्मी बढ़ी है, उसके बाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी हलचल तेज हुई है। पिछले हफ्ते भी एक बैठक हुई थी जिसमें ये तय हुआ था कि लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट बना करके दिया जाएगा, अपनी आपत्तियाँ और सुझाव बना करके दी जाएंगी, और आज जो बैठक हो रही है उसमें जो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है उसके मसौदे पर चर्चा होगी कि इसमें इन इन बिंदुओं को रखा गया है। हमारी बात हुई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य से, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो रिवाज शरीयत में है, जो परंपराएं शरीयत के हिसाब से है, उनमें दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो तीन तलाक हो, बहुविवाह हो, हलाला हो, खुला हो, संपत्ति के अधिकार की बात हो, गोद लेने की बात हो, ये सारे अधिकार जिस तरह से शरीयत ने मुसलमानों को दिए हैं, उन अधिकारों को लेकर के लड़ाई लड़ी जाएगी, और ड्राफ्ट में भी इन बातों को पूरी मजबूती से रखा गया है। इन पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। और इसी ड्राफ्ट को लेकर तमाम जानकारी के लिए, तो वही सख्त रुख यूसीसी को लेकर एक तरीके से खारिज करता हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फिलहाल नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।